महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे घायल अवस्था में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया और ये बच्ची उज्जैन की सड़कों पर उज्जैन की गलियों में लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाते हुए रोते रोते मदद मांगती रही घंटों तक, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। लोगों ने या तो दरवाजा नहीं खोला, खोला भी तो इसे देखकर आगे बढ़ने के लिए कह दिया। सीसीटीवी वीडियो अब आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने मदद के लिए कई घरों का दरवाजा खटखटाया और इस दौरान जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे उनसे भी इस बच्ची ने रोते रोते मदद मांगी, मदद की भीख मांगी 12 साल की इस बच्ची ने। लेकिन ये लोग कितने भी संवेदनशील नहीं थे कि ये इस बच्ची के आंसू पोंछकर उससे ये भी पूछ पाते कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है और या इंसानियत के तौर पर पुलिस को बुलाकर कम से कम उसकी मदद ही कर देते। इंसानियत के तौर पर एक एम्बुलेंस को बुलाकर पास के अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती करा देते, इसका इलाज करा देते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। और ये सारे घर जानते हैं कौन से हैं? ये वो घर हैं जिनमें त्योहारों के दौरान आसपास के पड़ोस की कन्याओं को बुलाया जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं, कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं ये कहकर कि इससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके घर में तरक्की आएगी, उनके घर में समृद्धि आएगी। एक दिन कन्या की पूजा करते हैं लेकिन जब वाकई एक कन्या इनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, बेसहारा कन्या, तो उसका क्या हाल करते हैं ये लोग आप देखिए।